जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में बीते कुछ हफ्ते में बड़ी हलचल देखने को मिली है। तो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में आई थी एक मिस्ट्री गर्ल जो सुशांत सिंह राजपूत के घर निधन वाले दिन वीडियो में रिकॉर्ड हुई थी। वीडियो सामने आने के बाद सभी लोग हैरान हो गए थे कि आखिर ये लड़की है कौन। तो ऐसे में इस लड़की को सिर्फ नाम दे दिया गया था मिस्ट्री गर्ल, जहाँ पे इसका सच सामने नहीं आया था। कुछ लोग ये अंदाज़ा लगा रहे थे, बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे कि ये लड़की कोई और नहीं सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड के भाई शौविक चक्रवर्ती की गर्लफ्रेंड है। बता दें दोस्तों, इस लड़की का एक वीडियो सामने आया था। वीडियो में लड़की एक काले रंग के बैग के साथ सुशांत के फ्लैट की तरफ जाते हुए नजर आई थी। इस लड़की को लेकर अलग अलग तरह की कहानियां सामने आई। कहा यह भी गया कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि रिया चक्रवर्ती की सहेली और फरहान अख्तर की गर्लफ्रेंड शिवानी डांडेकर है। लेकिन अब खुद शिवानी ने सामने आकर सच बताया है। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर लग रहे आरोपों पर शिवानी डांडेकर ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने ट्वीट किया है, कहती हैं ये मैं नहीं हूँ, ये सिमोन भी नहीं है। शक करने से पहले कृपया फैक्ट चेक कर लें। साथ ही साथ उन्होंने इसके बताया है एक बड़ा सच, क्योंकि ये बताती हैं ये सुशांत सिंह राजपूत की पीआर पर्सन और असिस्टेंट राधिका निहालिनी है। जी हाँ दोस्तों, वो कहती हैं कि फेक न्यूज़ को फैलाना बंद करो, बहुत हो गया। मेरी खामोशी आपको इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आप कुछ भी मेरे बारे में झूठ बोले और घृणा फैलाएं। तो दोस्तों, ऐसे में अपने इतने सारे आरोप लगने के बाद इन्होंने आखिरकार मुंह खोल ही दिया। अगर इससे पहले इन्होंने सच बता दिया होता तो इस मिस्ट्री गर्ल का पहले ही खुलासा हो गया होता। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबर सुनकर राधिका निहालिनी उनके फ्लैट पर पहुंच गई थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें घुसने नहीं दिया। इस दौरान वो मीडिया के कैमरों में कैद हो गई। उनकी वीडियो सामने आने के तरह तरह के सवाल उठने लगे। सुशांत के निधन से उनका कनेक्शन जोड़ा जाने लगा, जिस वजह से वो भी काफ़ी हैरान हो गई। बताया दोस्तों कि आपको कौन है राधिका निहालिनी। राधिका निहालिनी सुशांत सिंह राजपूत की पीआर थी। वो अभिनेता की कंपनी थिंक इन फाउंडेशन की भी को फाउंडर है। उनका ताल्लुक फिल्म मेकर और CBFC चीफ पहलाज निहालनी से है। वो पहलाज निहालनी के बेटे की पत्नी हैं। सुशांत मामले में मुंबई पुलिस ने राधिका से भी पूछताछ की थी। पहले इस मिस्ट्री गर्ल को लेकर कहा गया था कि ये रिया चक्रवर्ती की भाई शौविक चक्रवर्ती की दोस्त जमीला है। जमीला सुशांत के निधन की खबर सुनकर प्रियंका खेमानी और महेश शेट्टी संग उनके घर पहुंची थी। लेकिन सुशांत के पारिवारिक वकील विकास सिंह ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति घर से कुछ लेकर जा रहा है तो यह संदिग्ध है, क्योंकि अगर वह किसी लड़की से बात कर रहा है फिर वह गायब हो जाती है तो यह बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाला मामला है। लड़की की पहचान का पता लगाना होगा, लेकिन ऐसे में लड़की की पहचान का पता हो गया है कि वो राधिका निहालनी थी। तो सच आने के सामने के बाद सभी लोग हैरान हैं। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।